बताइए और आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताइए कि क्या यूनिकनेस है। देखो सर, मेरा प्रोडक्ट एक तो रेस्टोरेंट होटल के फर्नीचर, कोई भी प्रोडक्ट हो, टेबल टॉप फर्नीचर, उसमें क्या इनोवेटिव और हम डिज़ाइन करते रहते हैं, उनको हेरिटेज स्टाइल में भी देते हैं, मॉडर्न स्टाइल में भी देते हैं और कस्टमाइज्ड भी कर देते हैं। उनका जो कोई चीज़ चाहिए वो उसमें भी कस्टमाइज कर देते हैं। हालांकि मेरा फर्स्ट टाइम है इस फेयर में, खाद्य खुराक में, बट मैंने ऐसा फेयर देखा नहीं है जहाँ ऑल ओवर इंडिया से सारे आदमी आते हैं। मैंने यहाँ साउथ से भी आदमी देखे हैं, MP से भी देखे हैं, काफ़ी स्टेट से यहाँ पर देखे हैं। जिनको नया अपना कैफेटेरिया या रेस्टोरेंट खोलना है वो भी ढूंढ रहे हैं चीज़ें। तो मेरी जो फर्नीचर की काफ़ी यूनिक स्टैंड रही है लोगों को, और मुझे इनिशियली देखा जाए तो अच्छा रिस्पॉन्स बहुत मिला है यहाँ से, और जो कि हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएंगे सारे ऑर्डर्स, क्योंकि लोगों को ये नई चीज़ लगी है और इतनी वेराइटी, तो मैं और बड़ा अगली बार स्टैंड लेना चाहूँगा और बड़े वे में आई विल ट्राई टू बी इन अ बिग वे विद खाद्य खुराक। माशाल्लाह, इसके बाद जिससे बड़ी बड़ा स्टॉल हो और ज़्यादा आपको फ्रूटफॉल भी मिले। मैं ये पूछना चाहूँगा कि दूसरे जो एग्जीबिशंस हो रहे हैं और खाद्य खुराक एग्जीबिशन है, ये दोनों में क्या फ़र्क है एज़ पर ऑफ एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़, और यहाँ की ऐसी कौन सी चीज़ है जो फ्रूटफॉल बढ़ा रही है या कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रही है? ऐसा सर, मैंने एक्सपोर्ट वाले, मेरे डायरेक्ट एक्सपोर्ट के भी काम हैं फर्नीचर के, वो भी मैंने काफ़ी शोज़ किए हैं, तो वो लेवल और खाद्य खुराक का लेवल लगभग, मुझे काफ़ी खाद्य खुराक उस लेवल का लग रहा है। काफ़ी सिस्टमेटिक उन्होंने किया है और एक बहुत अच्छे मुकाम पे एक बिजनेसमैन को ले जा सकता है खाद्य खुराक। बहुत अच्छा। एट द लास्ट मैं ये पूछना चाहूँगा जो शायद कोई पिछली बार भी मैंने पूछा होगा कि अगर 5 में से खाद्य खुराक को मार्क्स देने हो तो कितने मार्क्स दो? 5 में से मैं दे दूंगा सर, मेरे पहला बार है तो 5 से मैं तो ज़्यादा देना चाहूँगा, 6, बट 5 तो कन्फर्म मेरे को है कि 100% मेरे लिए ये फेयर एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा रहा है। और अगर एक शब्द में पूरे एग्जीबिशन को आपको बताना है, सिर्फ एक शब्द, 1 वर्ड, तो क्या कहें? एक्सीलेंट। राइट सर।